नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल नॉलेज। आज के वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। एलओडी यानी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको तब काम आता है जब आपका कोई होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किसी बैंक में चल रहा है और आप उसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन या लैप मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आपने आपके सभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके बैंक में सबमिट कर दिए हैं। और यदि आप होम लोन या लैप लेने किसी दूसरे बैंक में जाते हो तो बैंक आपसे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स मांगेगा। तो ऐसे केस में आपके पास प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं होंगे, बिकॉज आपने प्रॉपर्टी पेपर्स पुराने बैंक में ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं लोन लेते वक्त। तो ऐसे केस में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बीटी बैंक आपसे एलओडी इसलिए मांगता है बिकॉज उनके पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं होते हैं, बिकॉज एलओडी में आपके सभी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स मेंशन होते हैं आपने जो जो बैंक में दिए हैं। जैसे कि यदि आपने एग्रीमेंट फॉर सेल, शेयर सर्टिफिकेट, एनओसी एटसेट्रा कुछ भी डॉक्यूमेंट दिया है तो यह सब आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगा। तो बैंक उस एलओडी के बेसिस पर ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा। बीटी बैंक जो भी आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया है वह लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जो जो प्रॉपर्टी पेपर्स अवेलेबल है वह चेक करते हैं कि वह प्रॉपर है या नहीं, उस बेसिस पर वो आपको लोन दे सकते हैं या नहीं। यदि आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सभी प्रॉपर्टी पेपर्स प्रॉपर मेंशन हो गए जो लोन लेते वक्त रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस में बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। बीटी बैंक इस एलओडी के बेसिस पर ही आपको चेक हैंडओवर करेगा, जो चेक आपके पुराने बैंक में आप देकर आपका लोन क्लोज कर सकते हैं और आपका लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी कि एलओडी यह एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिकॉज बैंक इस बेसिस पर ही आपको लोन देता है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वह डॉक्यूमेंट्स का एक्नॉलेजमेंट बैंक से ले लें, क्योंकि यदि इन फ्यूचर आप उस लोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं और आप बैंक में एलओडी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे केस में यदि आपको बैंक एलओडी देता है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके एक्नॉलेजमेंट कॉपी से, बिकॉज हो सकता है यदि बैंक ने कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दिए तो आप वह एक्नॉलेजमेंट कॉपी से क्रॉस चेक कर सकते हैं और बैंक को दिखा सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके एलओडी आपको जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिला है लोन लेते वक्त उससे आप ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स चेक कर सकते हैं कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लोन लेते वक्त दिए थे वह सब एलओडी में मेंशन है या नहीं, बिकॉज यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो हो सकता है आपका यह लोन ट्रांसफर नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।